दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि सत्यमेव जयते 2 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए एक दिन हो चुके हैं और भाई इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन किया है वो रिपोर्ट भी हम लोगों के सामने आ गए हैं। तो भाई पहले दिन सत्यमेव जयते 2 को कैसा सपोर्ट मिला है बॉक्स ऑफिस से, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो जुड़ी हुई है बॉलीवुड के मस्कुलर हल्क यानी कि जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 से। तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि कल मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि सत्यमेव जयते 2 जो है वो पूरे विश्व में 3500 स्क्रीन के माध्यम से रिलीज की गई है, यानी कि इस फिल्म को इंडिया में 2500 स्क्रीन मिले थे और वहीं पर इस फिल्म को ओवरसीज में 1000 स्क्रीन मिले थे, यानी कि इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन काउंट मिला था पूरे विश्व से। और उम्मीद की जा रही थी कि इतने सारे स्क्रीन के माध्यम से अगर ये फिल्म सिनेमा घर में आ रही है तो ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ क्या? तो भाई कल ही इस फिल्म को लेकर जो हम लोग के सामने जो आया था ना भाई ऑक्यूपेंसी रेट, उसी को देखने के बाद मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये फिल्म पहले दिन 3,50,00,000 रुपए से लेकर 3,70,00,000 रुपए तक का बिजनेस कर सकती है और भाई मेरी वो बात सही साबित हो गई है। यानी कि भैया 3500 स्क्रीन के माध्यम से सिनेमा घर में रिलीज होने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की है वो है 3,60,00,000 रुपए की। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि भाई पहले दिन जिस तरीके का सपोर्ट मिला है सत्यमेव जयते 2 को, तो उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या यह फिल्म लंबे रेस का घोड़ा साबित होगा क्या बॉक्स ऑफिस के लिए? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।